हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन चाप मसाला करी। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सोयाबीन चाप ले लिया है, ये है आधा किलो सोयाबीन चाप। तो सबसे पहले हम इसको उबालेंगे। तो यहाँ पैन में मैंने पानी को गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर जितनी भी सोयाबीन चाप होगी हम इसमें पानी में इसको डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। आप देखेंगे जैसे ही वो उबाल आने लग जाएगा तो ये जो सोयाबीन चाप है वो थोड़ी सी फूलने लग जाएंगी। तो यहाँ पे सोयाबीन चाप अच्छे से उबल चुकी हैं। अब हम इसको पानी में से निकाल देंगे और प्लेट में निकालने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर सोयाबीन चाप मैंने पानी में से निकाल दी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए 5 मिनट तक रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी ये सोयाबीन जो स्टिक है अंदर उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ी गर्म है इसलिए मैं थोड़े चिमटे का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया है। आप ठंडा होने पर ही इसको आसानी से देखिए ऐसे निकाल सकते हैं। तो सारी जितनी भी स्टिक थी मैं इसको निकाल दूँगी। अब हम इसके पीसेस करेंगे। तो यहाँ पर एक चाप के मैं 3 से 4 टुकड़े कर रही हूँ। तो ऐसे जितने भी सोयाबीन चाप है आप इसको टुकड़ों में काट लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन चाप टुकड़ों में काट ली है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 8 से 9 लहसुन की कलियाँ ली हैं, छोटा अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 हरी मिर्च, एक बड़ी इलायची और दालचीनी ले ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे। तो मिक्सर जार के अंदर मैंने लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और यहाँ पर दालचीनी और बड़ी इलायची डाल दी है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मसाले को पीस लिया है। अब हम कढ़ाई रखेंगे। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच डाला है सरसों का तेल। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म होगा तो जितनी भी सोयाबीन चाप रखी थी इसको हम इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सोयाबीन चाप को हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं ताकि तेल जो है चारों तरफ लगे। तो आप देखेंगे हल्का हल्का जो गोल्डन लेयर है उस पर आने लग जाएगी। तो धीरे धीरे इसको हम किनारे करते जाएंगे। तो बाकी की चाप भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि एक बार में फ्राई हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जैसे ही आप देखेंगे हल्का गोल्डन कलर आ गया है तो उन चापों को मैं यहाँ से निकालती जाऊँगी और प्लेट में हम इसको अलग कर लेंगे। तो सारी चाप ऐसे ही आपको फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पे जितनी भी चाप है फ्राई हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर बचे हुए तेल में 2 बड़े प्याज मैंने काट के रखे थे उसको डाल दिया है और इस प्याज को हम हल्के गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे। तो प्याज का देखिए हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर मिक्सी में जो मसाला पीस के रखा था उसको ऐड करेंगे। मसाला हमने ऐड कर दिया है। अब इसको 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे इस मसाले को। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भून रहा है और तेल जो है इसका धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो आप देखेंगे कॉर्नर पे तेल आ चुका है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टमाटर की प्यूरी है उसको ऐड करेंगे। तो 2 से 3 टमाटर आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच हल्दी का डाला है और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अब 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे तेजी मिर्च डाली है और नमक डालेंगे 1 चम्मच। आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। तो इस मसाले को भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो मसाला है अच्छे से इसका कलर आने लग जाएगा। जैसे जैसे मसाला भूनता जाता है उसका जो कलर है डार्क होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं मसाले का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। और जब मसाला तेल छोड़ने लग जाएगा किनारे किनारे, हमने जितनी भी सोयाबीन चाप फ्राई करके रखी थी उसको इसमें डाल देंगे। तो सारी चाप हमने मसाले के अंदर डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके अनुसार पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चाप को कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसको भी अच्छे से भून लेते हैं मसाले के साथ और इसके बाद हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं मिक्सी को अच्छे से रिंस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर हम इसको 12 से 15 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं कवर करके रख दे रही हूँ। तो 12 से 15 मिनट अच्छे से हो चुके हैं और यहाँ पर एंड में मैं हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है।
तो यहाँ पर आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह सोयाबीन चाप की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली बार किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।